हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको हमारे जैसी एक जीबीएच पेशेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है रत्नांजलि। वो 18 साल की है और उनको अभी रिसेंटली में ही जीबीएस हुआ है। वो यही हरिद्वार में रहते हैं, इसलिए हम उनसे मिलने गए थे। उनसे मिलने से थोड़े दिन पहले हमारे एक व्यूअर का हमें कॉल आया था, उनके एक रिलेटिव को जीबीएस था ऐसा उन्होंने हमें बताया था। उनका कॉल आ जाने के एक दो दिन बाद रत्नांजलि जी के पिता हमें मिलने आए थे हमारे घर पे। तो तब उन्होंने बताया कि अब वो रत्नांजलि जी घर आ चुकी हैं और अब हम उनसे मिल सकते हैं। तो हम 12 तारीख को उनके घर गए थे उनसे मिलने के लिए। वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब पूरा परिवार उनके साथ है इस मुश्किल के घड़ी में। बहुत ही प्यारी और सपोर्टिव फैमिली लगी मुझे उनकी। जहाँ तक बात रत्नांजलि की है, उनके हाथ अभी मूव करते हैं अच्छे से, थोड़ी ताकत की कमी है जो कि रेगुलर एक्सरसाइजेस और अच्छे डाइट की वजह से ताकत धीरे धीरे आ जाएगी। और पैरों की जहाँ तक हम बात करते हैं, पैरों में उनको फुट ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं हम कि उनको फुट ड्रॉप नहीं है, इसलिए वो इतनी जल्दी रिकवर होंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब फुट ड्रॉप हो जाता है तब हमें चलने में दिक्कत होती है, हमें कोई एक्सरसाइजेस करने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से हम थोड़े से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं कि अरे ये मैं करूँ ना करूँ, मुझे फुट ड्रॉप है, फुट ड्रॉप के लिए हमें अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो उनके केस में ऐसा नहीं होने वाला है। फुट ड्रॉप ना होने के कारण उनके पैर बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और उनके साथ इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो इतनी हिम्मत से और इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए जो वो लगातार कोशिश कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। और वो मेंटली भी काफी स्ट्रांग है, इसलिए उनकी रिकवरी जल्दी होगी ऐसी हमें आशा है। उनकी रिकवरी में हम उनकी मदद करेंगे और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना भी करेंगे कि वो जल्दी से इस मुश्किल घड़ी से निकल पाए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि कई व्यूअर्स के मन में बहुत सारे सवाल अभी चल रहे होंगे कि इनको तो फुट ड्रॉप भी नहीं हुआ है, हाथ भी इतने डैमेज नहीं हुआ है, पर हमें तो ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों? तो उस क्यों का जवाब आपके कमेंट में लिखने से पहले ही मैं आज आपको वीडियो में ही बता देना चाहती हूँ। जीपीएस के कई वेरियंट्स हैं, इसलिए किसको कौन सा वेरिएंट हुआ है उसी हिसाब से उनको डैमेज भी होता है। सबको एक ही जैसा जीबीएस नहीं होता है। किसी को सिर्फ हाथों में इफेक्ट करता है, किसी को सिर्फ पैर में करता है। और एक केस तो हमें ऐसा भी मिला था कि उनको सिर्फ मुंह में ही जीबीएस हुआ था, उनके हाथ और पैर बिल्कुल ठीक थे। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जीबीएस में बहुत से वेरियंट हैं और हमें कौन सा वेरिएंट हुआ है ये समझ के उसी के लिए एक्सरसाइज करना, उसी का मेडिसिन लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक बात रिकवरी की है, रिकवरी नसों के डैमेज के ऊपर आधारित है। जिसकी नसें कम डैमेज होंगी वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे, और जिसको ज़्यादा डैमेज है वो उनके मुकाबले थोड़ा स्लो और उनको रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक होने में। क्यों? क्योंकि उनकी नसें डैमेज है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हम दूसरों को जब रिकवर हुआ हुआ देखते हैं तब हमारे मन में होता है कि अरे ये तो ठीक हो गए पर हम क्यों ठीक नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि शायद उनकी नसें कम डैमेज होंगी इसलिए वो ठीक हो गए, और हमारे नसें ज़्यादा डैमेज होंगी इसलिए हम अभी तक भी रिकवर नहीं हो पा रहे। पर सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम रिकवर हो रहे हैं, हमारी रिकवरी रुक नहीं गई है। इसलिए हमें लगातार रिकवरी के लिए प्रयास करना है, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, साथ ही साथ अच्छी डाइट भी लेनी है। इसमें हम जितना ज़्यादा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, माइंड पर प्रेशर नहीं डालेंगे, इतनी ही जल्दी हम ठीक हो पाएंगे। क्योंकि इसमें टेंशन लेके भी कुछ नहीं होना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपकी एक्सरसाइज और आपकी डाइट ही होती है, इसलिए बिल्कुल भी प्रेशर ना लें, पॉजिटिव रहें, एक्टिव रहें। ऐसा नहीं कि भाई एक घंटा एक्सरसाइज हमारी हो गई तो बस अब दिन भर मुझे बैठे रहना है, नहीं। हल्का फुल्का आपको चलना है, खाने के बाद चलना है, ऐसी आपको एक्टिविटीज करते रहना है, बैठे नहीं रहना है। क्योंकि जितना आप बैठेंगे आपके पेट में भी गैस हो सकती है, आपके पैर सूख सकते हैं,
इसलिए आपको एक्टिव रहना है। जितना ही ज्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे उतने ही जल्दी हम रिकवर हो पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज इसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, ताकि हमारे जैसे कई और जरूरतमंद लोगों के पास ही पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप भी अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल या फिर कॉल कर सकते हैं। हम अब अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाले हैं और आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में रहें, एक दूसरे से बातें करें, जैसे कि रिकवरी या फिर ऐसी चीज़ें जो हो सकता है हम भी मिस कर रहे हों, वो चीज़ आप भी हमें बता सकें और कई अच्छी चीज़ें हम भी आपको बता सकें।